यार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर आया हूं। जैसे कि मैं आज आपको एक और नई वीडियो के जरिए अपने बगीचे की सैर कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने नाशपाती और सेब के बगीचे को दिखाता हूं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग हम सेब के पेड़ से करेंगे। देखिए ये पेड़ लगभग 7-8 साल का हो गया है। जैसे कि देख सकते हैं आप, फ्रूट तो इसमें अभी तक आया नहीं है। चलिए अब हम आपको फ्रूट्स वाले पेड़ दिखाएंगे। इसमें यहाँ पर गोल्डन की कलम लगी हुई है, देख सकते हैं आप। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि आपको ये कलम दिखाएं। 7-8 साल का हो गया, परंतु इसमें इस वक्त फ्रूट आए हुए हैं। यहाँ देखिए एक दो ही दाने इसमें आए हो, परंतु यहाँ देखिए बीमे भी इसमें बहुत अच्छे बने हुए हैं। चलिए अब आपको हम नाशपाती का पेड़ दिखाते हैं और टमाटर के खेत में भी आपको ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये लगभग 1 साल का पेड़ है, ये इस बार ही लगाया मैंने। चलिए आइए दोस्तों, ये हमने टमाटर लगाया है। यहाँ देखिए अभी तक, यहाँ देखिए मार्केट के लिए तैयार भी हो चुके हैं। आइए हम आपको टमाटर के बीच से ले जाएंगे। आइए दोस्तों, यहाँ देखिए टमाटर लगभग मेरे से बहुत ऊंचे बड़े हो गए हैं। यहाँ देखिए ये टमाटर की वैरायटी थाइतुंजा है। यहाँ देखिए फलतर इसमें बहुत अच्छी है। तो टमाटर के बीच में जापानी का पेड़ भी लगा हुआ है, ये लगभग 3-4 साल का हो गया है। यहाँ देखिए इसमें फ्रूट अभी तक नहीं आया, पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इस बार, क्योंकि यहाँ पर टमाटर लगाए हैं। यहाँ देखिए, चलिए दोस्तों अभी हम आपको ऊपर देखिए पियर का पेड़ भी दिखाते हैं, नाशपाती का। चलो नज़दीकी से आपको इसको दिखाते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स, तो ये नाशपाती का बहुत बड़ा पेड़ है। यहाँ देखिए मैं खा भी रहा हूँ। चलिए आपको ऊपर से इसके पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये दोस्तों रॉयल का पेड़ है, यहाँ देखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।